बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में है क्या और कहां कहां पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बता रहा है इसमें हमें, केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड्स टूगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। ये एक डेफिनेशन बता रहा है, कह रहा है अगर आप केमिकल बॉन्ड को देखें तो बेसिकली ये क्या है, दैट इज अ फोर्स, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। नेक्स्ट वो क्या चीज बता रहा है, इसको वो एक फोर्स का नाम दे रहा है। ठीक है, फोर्स क्या है, ये फोर्स करती क्या है, विच होल्ड्स टूगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस, दो या दो से ज्यादा एटम्स को, नंबर एक, और नंबर दो क्या बता रहा है, आयंस को आपस में क्या करती है, जोड़ के रखती है और वैरायटी ऑफ कंपाउंड वहां पे बनते हैं। डेफिनेशन में बेटा कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सर ये दोबारा बता दे सर। अच्छा जी, सुनिएगा दोबारा, रिपीट कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, ठीक है, पहले वो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बता रहा है। इसके बता रहे हो एक्चुअली बॉन्ड क्या है, एक फोर्स है। क्या चीज है ये, एक फोर्स है। नंबर वन, ये फोर्स क्या करती है, विच होल्ड टूगेदर, जोड़ के रखती है। इसको जोड़ के रखती है सर, गौर से सुनिएगा, टू और मोर एटम। जाहिर है दो चीजों को ही जोड़ने के लिए आपको बॉन्ड चाहिए या फोर्स चाहिए। कहता है मिनिमम टू या उससे ज्यादा, किन चीजों को, एटम्स और आयंस, टू फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड, के मुख्तलिफ एटम को या आयंस को आपस में जोड़ के रखेगी, जिससे क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। नाउ टिल हियर इट्स ओके? यस सर। ओके, द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बॉन्डिंग एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कह रहा है अब यहाँ पे आपको, कि वो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी, किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होगी, सच बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग हो रही है उसमें, नंबर वन, नंबर टू, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। अब जाहिर है वो एटम या आयन जो जिससे मिलके बने बेटा, उसकी कोई ना कोई शक्ल और उसकी फॉर्म भी होगी, जो कि किसके नतीजे में आ रही है, उस फोर्स की वजह से जिसने उन एटम्स को या आयंस को आपस में जोड़ा, नंबर एक बात। नंबर दो क्या कह रहा है यहाँ पे, द थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब अगर आप थियरी, ये थियरी है, थियरी क्या होती है, यू हैव एनी आइडिया अबाउट थ्योरी या थियरी, किसे बोलते हैं? थ्योरी सर वो सजेशन या वो तहरीर होते हैं सर, जो जो कि इसकी कंफर्म नहीं होती सर, जो किसी भी वक्त फ्लॉप हो सकते हैं। जी सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिसके ऊपर कोई आपके पास प्रैक्टिकल ना हो, यानी कि जिसका कोई आगे उसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि वो फ्लॉप भी हो सकती है, एक्यूरेट नहीं होती, उसमें वेरिएशन आ सकती है। तो ये थ्योरी है ऑफ केमिकल बॉन्डिंग has been major problem of modern chemistry. In this chapter, we shall look into the nature of the chemical bond formed between atom. अब आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में हम एटम्स के दरमियान जो नेचर है उनके बारे में बात करते हैं। तो let's start to see them about the bond. ये structure दिखाया गया पहले। लें जी, causes of combination. कि पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि वजूहात क्या हैं, वो रीजन क्या हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो क्यों रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखते हैं। यस सर। हैज बीन ऑब्जर्व दैट द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर करैक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। किस चीज पे डिपेंड करती है, अपॉन देयर करैक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी शेल को फर्दर सब शेल में डिवाइड करना।
बेहतर है, लेकिन क्या है कि अगर आप कहें कि उसके अंदर एटम में इलेक्ट्रॉन की जगह, ठीक है, वो कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं, कि किस शेल में जाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। द नोबेल गैसेस विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल 1s2 जैसे HE और NS2, NPS, NE यानी कि नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ये सबकी बता रहा है कि अगर आप नोबेल गैसेस को देखते हैं तो उनमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो किस तरह से आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास हीलियम है 1s2, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, ये एक मैंने शेल ड्रॉ किया, तो 1s2 फर्स्ट एक ही शेल होता है जिसको हम 1s कहते हैं और इसी में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। सेकेंड उसके बाद n आपको नहीं पता क्या है, कोई शेल हो सकता है, उसमें दो है, s में टू है, उसके बाद p में 6 है, ठीक है। उसके बाद नियोन की भी इसी तरह से है, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, सब शो लिटल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली। अब इनके अंदर जो केमिकली रिएक्टिविटी है वो क्या है, बहुत कम शो हो रही है, यानी कि वो अमाउंट या वो रिएक्टिविटी का जो है वो कम शो है। देयर आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट, लाइक कहते बहुत कम कंपाउंड है जो बनते हैं, जैसे कि ये फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे भी फ्लोरीन 2 के साथ, OF के साथ और O3 के साथ ये मिल रही है ज़ीनॉन। A noble gas does not react with other noble gases, यानी कि अब एक अगर आप noble gas को देखते हैं, जैसे ये आपको हीलियम दिखा रहा है, गौर से देखिएगा, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये फर्स्ट शेल में है, इवन कि ये अपनी ही noble gas के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, ये बात बड़ी अंडरस्टूड है। This can be explained on the basis of their special electronic configuration. किस चीज पे ये डिपेंड कर रही है कि इनकी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें क्या है, their outermost s and p orbitals are completely filled. यानी कि अगर आप इनके आउटर मोस्ट शेल देखते हैं जो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. Yes, my dear. सर जी, अभी ये बताया कि आपने नोबल गैस एक गैस दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, नोबल गैसेस स्पेशल, नोबल गैसेस जी सर स्पेशल, यस सर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सर जी, तो क्यों नहीं कर सकते सर, आप ये बताएं स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह सर। हाँ, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसमें ये देखें their outermost s and p orbital are completely filled है, ये जगह ही नहीं है इनके पास, यानी कि आप देखें ना, एक ऐसा बंदा है जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको भूख नहीं है, अब वो खाना खाएगा? Yes. No, sir. अब ये यही समझे यहाँ पे कि इसके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट है, इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये इनकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है जिसमें वो कुछ भी नहीं करेंगी। क्लियर है बेटा? जी सर, आगे चलते हैं जी। All other elements combine with one another due to inherent tendency to stabilize themselves. जी, इसका क्या मतलब है inherent tendency का? Due to an inherent tendency. एक तो inheritance होते हैं ना सर, वरासती। जी जी बिल्कुल। वही तो नहीं है सर ये? समझने उससे मिलता जुलता है कि ये ही, अब देखिए क्या, all other elements combine with one another due to an inherited tendency to, अच्छा मतलब ये बता रहे ना सर कि दूसरे नोबल गैसेस के अलावा बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसलिए हाँ, ये वाली टेंडेंसी लेने के लिए, ठीक है, ये इनहेरिटेंस है उनमें, ठीक है,
they yes, get sir. Their stabilization by losing number एक yes. losing, gaining, और last point क्या yes. है sharing of electron yes. to attain the inertness noble gases configuration. अब बाकी सारी क्या yes. करेंगी कि यही कोशिश करेंगी कि हमें भी क्या हो जाए हम भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये आखिर में है ना आपको पता है नोबेल गैसेस सबसे आखिर में स्टेबलाइज होने के लिए कि लूज कर दें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे इलेक्ट्रॉन या क्या करें शेयर करें इलेक्ट्रॉन को टू अटेन द नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अंडरस्टैंड यस द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल नाउन एज ऑक्टेट रूल ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑक्टा का मतलब क्या होता है ऑक्टा 8 तो ये ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन द टेबल 6.1 अगर हम टेबल 6.1 देखें तो हमें कुछ एग्जांपल्स मिलेंगी टिल हियर एनी क्वेश्चन नो सर ओके इन सर्टेन केसेस बोथ टेंडेंसीज टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन हैव बीन ऑब्जर्व्ड काफी में हम देख सकते हैं बट द सिस्टम विल गो बाय द कंडीशन इन विच द केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस लेकिन जो सिस्टम है ना वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है कहेंगे बाय द कंडीशन इन विच द केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस सिस्टम कौन सा है फॉर एग्जाम्पल इन द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म NaH हाइड्रोजन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ HF द हाइड्रोजन एटम डोनेट्स द मेजर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द फ्लोरीन एटम यानी कि इसमें क्या बताया आपने सिस्टम देखना आप हर दफा ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन स्टेबल होना है तो उसने इलेक्ट्रॉन लेना ही है लेकिन क्या होता है वो क्या करता है बाज़ुकात जैसे ये HF की डोनर है उसमें वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम हिस्से तक दे भी रहा है तो उससे भी स्टेबिलिटी आ रही है यानी कि ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा कंडीशन के ऊपर कि आपकी वो केमिकल कंडीशन कौन सी चल रही है एनी हाउ द ऑक्टेट रूल कुड नॉट बी मेड यूनिवर्सल ये बड़ा अहम पॉइंट है आप ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करना है और यही यूनिवर्सल है इट्स नॉट अ यूनिवर्सल एज अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड PF5 एंड SF5 इनकी एग्जाम्पल है BFCl3 आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये ऐसे एग्जाम्पल हैं ऐसे कंपाउंड हैं जो कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक नहीं चल रहे लेकिन ये पाए जाते हैं और स्टेबल हैं और बड़े बेहतरीन हैं स्टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड अदरवाइज टाइप नो जी बेटा बोले सर ये हाइड्रोजन NaH के नीचे जो एग्जांपल है HF इसमें ये दोबारा समझाइए सर HF वाला एग्जांपल दोबारा HF हाँ यस सर एक तो ये था ना सोडियम हाइड्रोजन और ये HF हाँ जी ये सुनिएगा ये क्या है आपके पास एक हैलाइड बन रहा है ठीक है हैलोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है क्या हो रहा है इसमें सर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है गौर से देखिएगा आपको पता है फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक ये क्या होता है कि इसका फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है बहुत ज्यादा है ज्यादा हाई है जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होता है यानी कि अगर ये शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये किसकी तरफ फ्लोरीन की तरफ और ऑलमोस्ट फ्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से एज अ पॉजिटिव एटम का होने की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा डोनेट करके और इस कंपाउंड में वो सेटिस्फाई हो जाता है ओके ओके सर चलें जी खैर नेक्स्ट देखते हैं जी आज के पॉइंट में जैसे कि यहां पे दिखाया गया SH
हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव। रीजन क्या है आपको पता है, इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर जो टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो मूव हो जाता है। चलिए टेबल पे आ गए, टेबल को देख लेते हैं। जैसे लिथियम की एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो किस में आ जाएगा, 1s में। ओके, तो ये देखें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लिथियम हीलियम की, यानी कि ये अपना इनहेरिटेंस शो कर रहा है कि इसने किसकी तरफ जाना है, हीलियम की तरफ। अगर आप मैग्नीशियम की तरफ, यस सर, टू इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है यहाँ से 1s से, तो उसके बाद पीछे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका, 1s2 एंड 2p, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसने नियोन को फॉलो किया, इसी तरह से नेक्स्ट फ्लोरीन में भी इसी तरह से बता रहा है, वो भी नियोन को फॉलो कर रहा है, सल्फर आर्गन को फॉलो कर रहा है। सो इफ यू हैव स्टिल हियर एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। आज का बस इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल हम इसमें जाके नेक्स्ट जो है वो करेंगे।